आज जो ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं, उस ज्ञापन को देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञापन देने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले लगभग 16 महीने से विद्यालय बंद हैं। इसमें विशेष रूप से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। 16 महीने में सरकार ने चाहे सभी वर्गों को सहयोग दिया होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने 1% भी सहयोग नहीं दिया। न तो स्कूल संचालकों को सहयोग दिया, न हमारे कर्मचारियों को सहयोग दिया। इवन देट हमारे नल और बिजली के जो बिल हैं वो भी कॉमर्शियल आ रहे हैं, उनको भी जो है कॉमर्शियल से हटाया नहीं। चार्ज से वो कॉमर्शियल चार्ज देने के लिए हमारे लिए भारी हो रहे हैं। हमारे जो हाउस रेंट है वो लग रहे हैं। हमारे जो लोन पर जो गाड़ियां हैं, भवन हैं, जो बिल्डिंग के लोन हैं, उन सब की किस्तें हमारे कंटिन्यू चल रही हैं और सरकार ने किसी भी रूप में हमारे को राहत नहीं दी है। दूसरे नंबर बात, अभी हाल ही में सरकार के जो शिक्षा निदेशालय हैं श्रीमान सौरभ जी स्वामी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के तहत कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बिना TC के प्रवेश देना, यह अपने आप में बड़ा विवादास्पद आदेश है। इससे हमारी जो प्राइवेट स्कूलों की हालत है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हमारे प्राइवेट स्कूलों के और अभिभावकों के बीच में संबंध को खराब करने वाला यह आदेश है। हमारे लोकल जो गाँवों में हमारी प्रैक्टिकल स्थिति ये होती है कि व्यावहारिक तक से हम लोग व्यावहारिक होते हैं। आपस में जान पहचान होने से अभिभावक हमें समय पर फीस जमा नहीं कराते हैं। साल साल की, दो दो साल की, तीन तीन साल की हमारी फीस बकाया रह जाती है। और अब सरकार ने आदेश दे दिया कि बिना TC के प्रवेश ले सकता है बच्चा। ऐसी स्थिति में पहले से ही भी हम आर्थिक मार को झेल रहे हैं और अब अभिभावक हमारे बिना TC के जब प्रवेश ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारी व्यवस्थाओं को कैसे हम चला पाएंगे, कैसे हमारे लोन चुकाएंगे, कैसे हम भवन किराया चुकाएंगे, कैसे हमारे अन्य जो नल बिजली के स्टाफ के सब खर्चे हम कैसे चुकाएंगे। ये अपने आप में बड़ा ही विवादास्पद बयान है, विवादास्पद आदेश है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, इसके लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। नंबर दूसरी बात, RTE जो हमारा एक अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के तहत हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसकी फीस राज्य सरकार को देनी होती है, जिसका 65% पैसा केंद्र सरकार देता है और 35% पैसा राज्य सरकार देती है। और आज सरकार ने ऐसी महामारी के समय में हमारे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। साथ ही साथ इस RTE का जो भुगतान है, जो हमारा हक है, सरकार वो भी नहीं दे रही है। यानी हमारे ऊपर अत्याचार से ज्यादा अत्याचार होता जा रहा है, हम अत्यधिक परेशान हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये RTE का पैसा है, हमें तुरंत दिलवाया जाए, भुगतान तुरंत किया जाए। मांग है, इस वजह से हमने आज माननीय जो हमारे सरकार के उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र जी चौधरी और जो हमारे विधायक हैं उनको भी ज्ञापन दिया है और अभी SDM साहब को भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये हमारी मांग है, हमारी आर्थिक स्थितियां खराब है, सरकार से आग्रह करते हैं इस बात को समझे और हमारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, इस भेदभाव की नीति को बंद करें।